साक्री शहरापासून 8 किलोमीटर अंतरावर असलेलं श्री नागाई माता मंदिर हे जागृत देवस्थान असून पांझरा नदीच्या काठावर देवीचं देवस्थान आहे। महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यातील अनेक कुळांची कुलस्वामिनी असल्यानं इथे नागपंचमी आणि नवरात्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उत्सव साजरे करण्यात येतात। त्यात आता मंदिर उघडल्यामुळे भाविकांनी आनंद व्यक्त केलाय। गेल्या 2 वर्षांपासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे महाराष्ट्रात धार्मिक स्थळं बंद करण्यात आली होती, पण आता विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे घटस्थापनेपासून धार्मिक स्थळं खुले करण्यात येत आहेत। म्हणून श्री नागाई माता मंदिर खुलं करण्यात येत असून भक्तांनी कोरोना विषाणूच्या नियमांचं पालन करून दर्शनाला यावं। यावेळी सालाबाद प्रमाणे नवरात्रोत्सव साजरा करण्यात येत असून मठाधिपती महंत प्रणव गिरीजी बाबाजी यांनी सर्व भक्तांना आमंत्रित केलंय। आप सभी भक्तों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और कुल स्वामिनी श्री नागाई माता का बहुत बहुत आशीर्वाद। आज से प्रारंभ नवरात्र का आज प्रथम दिन है, प्रथम माला है। आज घट स्थापना होगी अपने श्री नागाई माता मंदिर में। उसके बाद अष्टमी को 108 कन्याओं का पूजन होगा, उन सभी कन्याओं को वस्त्र दान दिया जाएगा और उसके बाद में दर वर्ष की भांति इस साल भी अष्टमी को यज्ञ होगा, होम होगा। उसके बाद अष्टमी को सुबह अपने नागाई माता इतिहास में प्रथम बार श्री नागाई माता को 56 भोग लगेंगे। इसलिए आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि उस 56 भोग का दर्शन के लिए अवश्य पधारे श्री नागाई माता संस्थान में। उस 56 भोग के यजमान हैं, सेवक है जिन्होंने ये सेवा ली है, श्री भूपेंद्र भाई रमन सेठ पारेख सूरत, श्री दीपक भाई रमन सेठ पारेख सूरत गुजरात की तरफ से ये जो सेवा ली है, यजमान हुए है 56 भोग के, उनकी तरफ से वो नागाई माता को 56 भोग लगेंगे और सभी कन्याओं को उस दिन वस्त्रदान दिया जाएगा। इसलिए आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन है और आप सभी का श्री नागाई माता संस्थान की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आप सभी भक्तजन 56 भोग दर्शन के लिए अवश्य पधारे। जय श्री नागाई माता। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, साकरी।